खबर जनपद चमोली से है, जहां भराड़ीसैंण गैरसैंण में बुधवार को राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला आयोजन की गई, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथ ही सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है और इसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मेला देहरादून में आयोजित किया था और जिसमें पूरे देश के प्रवासी लोगों ने भाग लिया है? और उन्होंने अपने सुझाव दिए, अनेक सदस्यों की बात आई है और उनके लिए हम सारी योजना बना रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने गांव में आकर एक एक गांव में अपना उन्होंने हमसे कहा है कि उनको जो है आगे के लिए क्या मार्ग उनका हो सकता है, सरकार बताए, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। समूह के द्वारा यहाँ स्टॉल लगाया गया है जिसमें तमाम सारे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं। हमारे साथ लगभग 700-800 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अलावा हम उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना जायका से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें भी हमारी एक कोऑपरेटिव है और 720 महिलाओं से हम वहाँ भी जुड़े हुए हैं। और लगभग आजीविका से संबंधित हम यही स्थानीय उत्पाद पे मिलर्ट्स पे इसी पे काम कर रहे हैं और महिलाओं के आजीविका के लिए जैसे हमारे मेले, सरस मेला हो गया, गुज्जर मेला हो गया, किसान मेला हो गया और हमारा विधानसभा सत्र लगा था, स्टॉल के माध्यम से हमने यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें सेल की हैं, जिसमें कि बहुत अच्छी आजीविका हमारे गांव स्तर पे भी जो महिलाएं हैं उन्हीं से हमने ये स्थानीय उत्पाद परचेज करके और सेल कर रहे हैं 2 महिलाएं, और इसका प्रॉफिट उनको भी मिलता है और महिलाओं की आजीविका भी बढ़ रही है। लगभग 1-1.5 लाख की हमारी 2-3 महीने में आजीविका के माध्यम से हमने जो हमारी आय है वो।